हेलो दोस्तों, आई एम वैष्णवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता करी। तो चलिए देखते हैं इसे आसानी से घर में कैसे बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे हमने लिया है एक कढ़ाई, फिर हमने उसमें डाला है थोड़ा सा तेल। तेल जब गर्म हो जाए तभी हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए तभी हमें इसमें ऐड करना है प्याज का पेस्ट और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक इसका कच्चापन नहीं जाता है तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके लिया था। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तभी हमें इसमें ऐड करना है आधा कप दही और अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तभी हमें इसमें ऐड करना है मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे हमें एक उबाल आने तक रखना है। जब ये अच्छे से उबाल आए तभी हमें इसमें ऐड करना है एक चम्मच बेसन, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये राइस के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब ये देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसमें ऐड करना है पानी। आपको कितना पानी चाहिए आप उतना डालिए। मैंने यहाँ पे डाला है एक ग्लास पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दो हरी मिर्च और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तभी हमें इसमें ऐड करना है 1.5 चम्मच घी और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ता। यहाँ पे हमने लिया है कांदा भजी, इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लिया है। अगर आपको कांदा भजी का रेसिपी चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये अभी हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बनाया है तो ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। इसे हमें अच्छे से उबाल के लेना है। फिर हम इसके ऊपर से डालेंगे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। और अभी ये कोफ्ता करी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।
बाय बाय।